here we are going to talk about the specific functions of forensic psychologist apart from the responsibilities of the forensic psychologist as mentioned just in another slide this is very important to know what could be the proper functions which are going to be performed by the forensic psychologist in different areas they can work in police psychology uh, they can work in psychology of crime and delinquency In victimology and victim services, in legal psychology, uh, but these are not the areas which they limit. But they can work beyond these areas. However, these are the main areas where you see that the forensic psychologist are being working. Talking about police psychology, आप में से बहुत से लोग पुलिस साइकोलॉजी के बारे में जानते होंगे कि हमारी जो पुलिस की सर्विसेज होती हैं, because uh, they are very डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन जिसमें वो काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं तो एट टाइम्स वहाँ पर आपको फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हेल्प्स इन डेवलपिंग साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स ऑफ सीरियल ऑफेंडर्स जहाँ पर हमारे पास इस तरह के केसेस डिडक्ट होकर आते हैं कि वो लोग जो कोई बहुत सीरियस क्राइम्स कमिट करते हैं या सीरियल किलर्स होते हैं या एक पैटर्न का कोई क्राइम कर रहे होते हैं उनके पर्सनालिटी प्रोफाइल्स डेवलप किए जाएँ इसका पर्पस ये होता है कि उनकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग करने के बाद अगर बहुत सारे लोग एक खास टिपिकल तरह का पर्सनैलिटी प्रोफाइल रखते हैं तो देन वी कैन प्रॉबेबली बिल्ड अ अस कि अगर इस तरह का प्रोफाइल होगा तो दे कैन प्रॉबेबली गोइंग टू टेंट टू कमिट एनी सच क्राइम इन फ्यूचर अगर हमारे पास जो uh, ऐसे क्रिमिनल्स आते हैं जो कि अभी अर्ली स्टेज पर होते हैं छोटे मोटे क्राइम्स करके पकड़े जाते हैं और उनकी प्रोफाइलिंग भी की जाए तो ये अंदाज़ा हो सकता है कि आइदर दे वुड बी पोटेंशियल डेंजर टू सोसाइटी इन फ्यूचर या ये उनका कोई छोटा मोटा क्र, क्र, क्राइम कमिट किया और उसके बाद उनको सजा दे के उनको छोड़ दिया जाए इनको वॉच करने की जरूरत नहीं है सो पुलिस साइकोलॉजी डिवेलप्ड मैकेनिज्म जिसके अंदर वो इस तरीके के पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स जो है वो इकट्ठे करके रखती है देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन द पुलिस ऑफिसर ऑन हाउ टू डील विद मेंटली इल इंडिविजुअल्स दिस इज अदर स्पेशलाइज थिंग विच फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट टू एंड यू सी दैट बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं पुलिस ऑफिसर्स की जिसमें उनको साइकोलॉजी uh, के प्रिंसिपल सिखाए जा रहे होते हैं जिसमें उनको बताया जा रहा होता है कि वो लोगों के साथ कैसे डील करें इसके अलावा उनको अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और इन्हांसमेंट के लिए भी बहुत सारी टेक्नीक जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उन्हें सिखाते हैं आफ्टर शूटिंग इंसिडेंट प्रोवाइड काउंसिलिंग टू पुलिस ऑफिसर लेट्स से एक पुलिस ऑफिसर है उसने एक आ, कोई आ, बहुत ही ब्रोटल किस्म का क्राइम कमिट होते हुए देख दिया है या उसने कोई शूटिंग होते हुए देखी है या वो उस ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा है जो उसके लिए बहुत ट्रोमाटाइजिंग है तो उसको खुद भी एक साइकोलॉजिकल हेल्प जो है उसको रिक्वायर होती है टू ओवरकम दैट ट्रामा विच ही हैजेंट थ्रू दैन साइकोलॉजी ऑफ क्राइम एंड डिलीकेंसी इज अनदर एरिया वेर फॉरेंसिकॉजिस्ट पेयर रिस्पांसिबिलिटीज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइकोपेटोलॉजी किस तरीके से इमर्ज होते हैं साइकोपेटोलॉजिकल बिहेवियर एक बीमारी जो है उसके बेसिस क्या हो सकते हैं उसके टोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हाउ वी कैन प्रूव के एक सिचुएशन uh, के अंदर अगर ये ये फैक्टर्स होंगे तो देट पुड बी अ पोटेंशल रिस्क ये डिटर्मिन हो सकते हैं डो लीड कर सकते हैं टू अ सीरियस क्राइम इसके ऊपर रिसर्च जो है वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं देन एज अ रिसर्च पॉलिसी एडवाइजर दे कंसर्ट विद लेजिस्लेटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू डेवलप न्यू स्ट्रेटजीज इसी तरह वो डिफरेंट uh, तरह की स्ट्रेटजीज भी रिसर्च के uh, बाद डेवलप करते हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि फ्यूचर में हमारी सोसाइटी इससे बेहतर हो सकेगी और कोई हेल्प जो है वो मिल सकेगी कंसल्टिंग विद द स्कूल परसोनल फॉर आइडेंटिफाइंग यूथ विच कैन बी डेंजरस फॉर द सोसाइटी सो so, जो हमारे यंग बच्चे हैं उनमें किस तरह के पोटेंशल हार्म्स अगर आ, हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकें उनकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग कर सकें एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो बच्चे थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं या थोड़ा सा उनमें कोई वार्निंग साइंस नज़र आ रहे हैं उनको अर्ली एज से ही ट्रीटमेंट दिया जाए उनको कम्प्लीटली जो है वो अंडर सर्विलेंस रखा जाए ताकि उनसे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटी को ना फेस करनी पड़े

और वो साइमटेनियसली उन कंस्ट्रक्ट्स के ऊपर टूल्स भी डेवलप करते हैं जो उनको फ्यूचर में और ज्यादा लोगों की असेसमेंट में हेल्प कर सकें विक्टमोलॉजी एंड विक्टेज इंटरव्यूइंग द पर्सन हु आर एंड विटनेस ऑफ द क्राइम ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है विच इज बी डन बाय द फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू क्लेम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ क्रिमिनल विक्टन फॉर एग्जाम्पल पोस्ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एट टाइम्स दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक इंडिविजुअल जिसने uh, कोई बहुत ही ब्रुटल एक्सीडेंट या कोई बहुत ही ब्रुटल ट्रामा uh, जो है वो फेस किया है उसको सुन के दूसरा इंडिविजुअल भी ट्रामाटाइज हो सकता है एज अ सिचुएशन में भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कुड बी ऑफ हेल्प टू प्रोवाइड देम द काउंसलिंग सर्विसिस और जो इंडिविजुअल उससे विक्टमाइज हुआ है उसको तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके रेगुलर सेशनस किए जाएँ ताकि उसे उस इंसिडेंट्स के हवाले से फ्लैश ना आते रहें और उसको गॉड फॉर बिट पी टी एस टी ना डिवेलप हो जाए जो कि एक लॉन्ग uh, टर्म फिर उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत पेश आ सकती है तो अगर इनिशियली काउंसलिंग दी जाए तो फिर uh, वो पी टी एस टी डिवेलप होने से पहले ही वो सिम्टम्स जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं दैन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन इम्पैक्ट ऑफ मल्टी कल्चरिज्म इसी तरह मल्टी कल्चरिज़म का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर भी uh, जो है वो ट्रेनिंग देना वो भी प्रोफेशनल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का का काम है Then next come the legal psychology. Conduct evaluation of a child custody and the child abuse. Tabachoki custody child custody, abuse maltreatment study karna, or assess karna ki situation kya hai is the responsibility and a very important role of forensic psychologists. Through community surveys and other research methods, assist attorney in jury selection. So they also help in the process of jury selection to attorney. बाई कंडिंग रिसर्च ताकि वह बेहतर तरीके से उनको कुछ सजेश uh, सकें एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू एवेल्यूएट द डिफेंडेंस कम्पिटेंसी टू द स्टैंड ट्रायल ये देखना कि अगर एक स्टैंड ट्रायल के लिए आपके पास एक क्लाइंट आया है तो उसकी कंडीशन क्या है क्या वो अपने मेंटल हेल्थ को वहाँ डिफेंड कर सकता है या नहीं कर सकता दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट